हाय, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज अपन बात करेंगे डेंगू के बारे में। तो डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसे बचाव कर सकते हैं और हार्ट पे इसका क्या असर होता है, तो ये सब अपन डिटेल में जानेंगे। तो डेंगू क्या है, डेंगू एक वायरस है और ये वायरस डेंगू के 4 टाइप होते हैं इसके, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। और ये वायरस के कारण अपने को डेंगू फीवर होता है और एक वायरस के कारण जैसे एक बार अपने को फीवर हो गया तो उसके बाद में अपने अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। तो यदि नेक्स्ट टाइम अपने को डेंगू से बीमारी होएगी तो वो दूसरा टाइप का वायरस रहेगा, डेंगू 2, 3, 4 में से रहेगा। और जितनी बार ये अपने को डेंगू फीवर रहेगा उतना ही हर बार पहले की बजाय ज़्यादा सीरियस रहेगा। तो अब दूसरी बात, डेंगू फैलता कैसे? तो डेंगू एक मॉस्किटो है, उसके कारण फैलता है, जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई। ये मॉस्किटो क्या है, किसी भी डेंगू वाले पेशेंट को काटता है तो उसके वो पेशेंट में जो डेंगू वायरस है वो मॉस्किटो के अंदर चला जाता है। और जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो वायरस उसमें इंजेक्ट कर देगा। तो इस प्रकार ये एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरा ये है कि ये जो प्रेग्नेंट मदर है उसके थ्रू भी उसके बच्चे में भी जा सकता है। तो प्रेगनेंसी में अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है कि भी डेंगू वगैरह न हो, क्योंकि बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मैन टू मैन नहीं फैलता है। यदि आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के पास में बैठते हो तो ये जैसे छींकने से, खांसने से ऐसे नहीं फैलेगा, तो ये मैन टू मैन नहीं फैलता है। उसके बाद में अपन बात करें तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डेंगू जैसे आज अपने मच्छर को काट लिया है तो मच्छर के काटने के 3 से लेके 5 दिन के बाद अपने को इसके सिम्टम चालू होते हैं। और सबसे पहले अपने को फीवर आएगा, फीवर एकदम बहुत तेज आएगा, ठंड लगेगी, 104 डिग्री फारेनहाइट तक फीवर पहुंच जाता है। उसके साथ साथ अपने को हेडेक रहेगा, आंखों के पीछे की तरफ पूरा पेन रहेगा, अपने पूरे जॉइंट्स हैं, अपने बोन है, मसल है, सब जगह अपने को पेन रहेगा। और इसके साथ साथ अपने को एकदम से उल्टी होना, जी घबराना या धस लगना, पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टम इसके रहते हैं। तो डेंगू अपने को 3 तरह से अफेक्ट करता है। एक सिंपल जैसे डेंगू फीवर हो गया जिसमें सिंपल सिम्टम आएंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इजीली वो रिकवरी हो जाता है। दूसरा टाइप का होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें इन सिम्टम के साथ साथ पेशेंट को ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, जैसे गम ब्लीडिंग हो गया या नाक से ब्लड आ रहा है, उल्टी के साथ ब्लड आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो उसको अपन डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तीसरा टाइप का होता है डेंगू शोक सिंड्रोम, जिसमें ये सारे सिम्टम के साथ साथ पेशेंट का शोक में चला जाता है, यानी उसका बीपी एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, उसकी पल्स बहुत ही वीक हो जाएगी, फीबल हो जाएगी, उसके शरीर पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन डेंगू शोक सिंड्रोम बोलते हैं। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये दोनों कंडीशन ही सीरियस रहती हैं। इसको अपन जितना जल्दी पहचान ले और मैनेज कर ले उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। अब अपन ये है कि इसको डायग्नोज कैसे करें कि ये डेंगू ही है, इसके लिए अपन ब्लड टेस्ट करते हैं। तो शुरू के 5 दिन तक अपन डेंगू एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जो इनिशियली स्टेज में पॉजिटिव आ जाता है। यदि अपन 5 दिन के बाद करना चाहें तो अपन डेंगू एंटीबॉडी होती है जिसमें IgM और IgG पॉजिटिव आती हैं, तो मतलब डेंगू हो गया। IgM है जो एक्यूट कंडीशन को बताया कि मतलब अभी अपने को डेंगू हो रखा है, IgG है वो पास्ट इन्फेक्शन को बताएगी कि पहले कभी डेंगू हुआ है। इसके अलावा अपन CBC कर सकते हैं, जिसमें अपन प्लेटलेट दे सकते हैं कि डेंगू के पेशेंट की प्लेटलेट कम होने लग जाती हैं, TLC उसकी कम होने लग जाती हैं, तो इस तरह अपन उसको डेंगू को डायग्नोज कर सकते हैं। अब डायग्नोज करने के बाद अपन ट्रीटमेंट क्या करें, तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अपने जॉइंट पेन है, फीवर है, तो उसके लिए अपन पैरास्टामोल टेबलेट दे देते हैं। पैरास्टामोल के अलावा दूसरे जो एनसेड्स हैं वो अपने को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो सारे ब्लड को थिन करते हैं और डेंगू वाले पेशेंटों की वैसे ही ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो उसमें ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा अपन क्या है, यदि बुखार तेज है, कोल्ड स्पंजिंग भी अपन कर सकते हैं, ठंडा कपड़ा अपन उससे मालिश कर सकते हैं। और अपने को क्या, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। यदि अपन ओरली ले सकते हैं तो अपने को जूस है, छाछ है, नारियल पानी है, पपीता जूस है, ये जो भी चीज़ अपन ले सकते हैं वो खूब पीना है।
यदि अपन ओरली नहीं ले सकते तो अपन आईवी ड्रिप चालू कर सकते हैं, तो हाइड्रेशन मेंटेन रखना रहता है। हाइड्रेशन क्यों रखना रहता है, क्योंकि डेंगू में धीरे धीरे जाके कैपिलरी लीक सिंड्रोम एक टाइम होता है, जिसमें क्या है कि जो शरीर की सारी जो मेम्ब्रेन रहते हैं वो उनमें आर पार की क्षमता बढ़ जाती है, तो शरीर का जो पानी है वो बाहर आने लगता है। जैसे वो लंग की कैविटी में आ गया तो इफ्यूजन, पलीरुल इफ्यूजन लंग में पानी भर जाएगा, हार्ट की कैविटी में आ गया तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, पेट में आ जाएगा एसाइटिस हो जाएगा, तो पानी बाहर निकलना लगता है, तो अंदर पूरा डिहाइड्रेशन रहता है और अपनी बॉडी का कंसंट्रेशन हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण अपना हिमेटोक्रेट वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उसको मेंटेन रखना जरूरी होता है। अब और इसके अलावा ये इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और यदि प्लेटलेट्स का बात है कि अपने कब लगानी और क्यों लगानी, क्यों कम हो जाती है डेंगू में, तो प्लेटलेट्स का ऐसा है कि डेंगू वायरस बोन मेरो सप्रेशन करता है, तो बोन मेरो सप्रेशन करेगा तो अंदर चीज बनेगी नहीं, यदि कोई चीज बन नहीं रही है उसका और ज्यादा यूज हो रही है या उसका डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रही है तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी, तो डेंगू यही करता है, बोन मेरो सप्रेशन करेगा। दूसरा, डेंगू वायरस जो प्लेटलेट से अटैच हो जाता है और दूसरी हेल्थी प्लेटलेट्स को खाता रहता है तो उसको कम करता है। या फिर जैसे एक टर्म होती है DIC बोलते हैं अपन, जिसमें क्या शरीर में कोगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जगह जगह खून के थक्के जमते हैं तो प्लेटलेट उसमें पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो इस तरह अपने की प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अब प्लेटलेट अपने लगाना क्या, हर पेशेंट को प्लेटलेट लगाने की जरूरत नहीं रहती है, अपन मॉनिटर करते रहते हैं, यदि पेशेंट को ब्लीडिंग है, कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है तो प्लेटलेट लगाना ही लगाना, चाहे प्लेटलेट कितनी, 50,000 हो, 1 लाख हो, तो लगाना ही पड़ेगा। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है और प्लेटलेट अपनी अपन मॉनिटर कर रहे हैं, यदि 20,000 तक आ जाती है, 15,000 तक आ जाती है, तो भी लगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि ब्लीडिंग नहीं हो, यदि ब्लीडिंग हो तो लगाना ही लगाना। अब अपन बात करते हैं कि डेंगू से अपन बचाव कैसे कर सकते हैं, तो डेंगू से बचाव के लिए अपने को पहले मच्छर को हटाना रहता है, क्योंकि उसी से फैलता है, तो अपने आसपास ये मच्छर और जो डेंगू मच्छर है उसकी दो तीन स्पेसिफिक चीजें हैं कि एक तो ये दिन के टाइम में काटेगा, दूसरा ये साफ पानी में पनपता है, तीसरा ये इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पे है ना ब्लैक और व्हाइट लाइन्स ही रहती हैं, तो इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, अपन पहचान भी सकते हैं हाँ ये डेंगू का मच्छर है, तो ये साफ पानी में पनपता है, इसलिए अपने आसपास जो भी जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, फूलदान में है, कोई टायर में है, कोई गमले में पड़ा है, जहाँ भी पानी है कलेक्शन है उसको अपन सफाई करेंगे, फिर अपन जैसे कूलर में है या कोई और पानी है जिसको अपन यूज ले रहे हैं, तो उनको वीकली अपने को साफ करके रखना है, वीकली चेंज करना है पानी को। दूसरा, अपना पर्सनल प्रोटेक्शन रखना, उसमें क्या करना, अपन जब भी घर से बाहर निकले अपने फुल बाजू के शर्ट है, फुल बाजू स्लीव कपड़े पहने, और अपना एक मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है, डीट क्रीम जो बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं, वो अपन लगा सकते हैं। तीसरा, अपने घर के जो खिड़की दरवाजे उनमें जो जालियां हैं उनको बंद रखें, और अपना जैसे सोते टाइम अपन मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, लेकिन मच्छरदानी का वैसे ज़्यादा यूज है नहीं, क्योंकि मच्छर ये रात को नहीं कि दिन को काटेगा, तो रात को कोई ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन किसी को डेंगू है उस पेशेंट को अपन मच्छरदानी में रह सकते हैं, जिससे कि कोई मच्छर उसको काटे तो वो किसी दूसरे में डेंगू ना फैलाए, तो इस तरह अपन अपना बचाव कर सकते हैं। या फिर यदि किसी एरिया में डेंगू के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उसमें पूरे एरिया में ही अपन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे कि सारे मच्छर मर जाएं और अपन डेंगू से बच सकते हैं। अब ये है कि डेंगू का हार्ट पे क्या असर होएगा, तो डेंगू वायरस से पूरा शरीर में इन्फ्लामेशन रहेगा, इन्फ्लामेशन होने से हार्ट को भी ये इन्वॉल्व करता है, तो हार्ट की जो लेयर रहती है जिसको अपन मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम बोलते हैं, तो उन लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट को मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सीने में दर्द, छाती में दर्द फील होएगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, जो फ्लूड कलेक्शन हो जाएगा जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, या हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो भी एक बार कम हो जाती है, क्योंकि हार्ट पूरा उसमें इडिमा हो जाता है, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उसकी कम पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको अपन कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या कई बार आपने जो हार्ट की जो गति है वो एकदम कम हो जाएगी, हार्ट ब्लॉक जो बोलते हैं अपन वो हो जाएगा, तो या फिर एकदम से एरिथमिया हो जाएंगे, यानी हार्ट की गति बहुत तेज हो जाएगी, तो ये कुछ चीज़ें इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग सारी टेम्परेरी रहती हैं, यदि टेम्परेरी अपन इनको मैनेज करते हैं, जैसे जैसे डेंगू का असर खत्म होता जाता है ये चीज़ें अपने आप रिकवर हो जाती हैं, इनमें कोई परमानेंट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह अपन यदि डेंगू के बारे में कुछ बातें जाने और तो अपन अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप अपने रिलेटिव्स के पास भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। धन्यवाद।